हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेंडर सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि अगर किसी कंपनी को वेंडर या सप्लायर की सिलेक्शन करनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है इसके अलावा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक सीरीज़ में परचेज मैनेजमेंट के रिलेटेड जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं उसका आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है और पूरी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप उसे चेक कर सकते हैं तो वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के ये छः स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहला है क्वालिटी कस्टमर को क्वालिटी गुड्स डिलीवर करना की है मार्केट को कैप्चर करने और कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को विन करने की तो जैसा हम सब जानते हैं कि क्वालिटी आज के टाइम में बहुत मैटर करती है अगर आपको कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्वालिटी वाइज तो आप उसे बार बार खरीदते भी हैं और इवन अपने नेबर्स फ्रेंड सर्कल में उसे रेफर भी करते हैं तो अगर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है अपने कस्टमर्स के लिए इससे वो मार्केट को कैप्चर कर सकती है और कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन कर सकती है द टारगेट ऑफ क्वालिटी गुड मतलब अगर किसी कंपनी को क्वालिटी गुड प्रोड्यूस करनी है तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है मटेरियल की जो सप्लाई किया गया है सप्लायर के द्वारा तो अगर कंपनी को अपने फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है तो उसके लिए उसे सप्लायर से भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ख़रीदना होगा तो मैनेजमेंट को ऐसे वेंडर की सिलेक्शन करनी होगी जो प्रोवाइड करे बेटर क्वालिटी का मटेरियल। सेकंड है प्राइस मटेरियल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ मनी है जो ज़्यादा मैटर करती है इसका क्या मतलब है कि हो सकता है चीप सप्लायर लो क्वालिटी मटेरियल सेल करे और कोशली सप्लायर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करें इसलिए सप्लायर जो सेल करे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर उसे ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए तो यहाँ समझाने का मतलब यह है कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि क्वालिटी एक फैक्टर हो गया जो डिपेंड करता है दूसरा प्राइस हो गया अब हो सकता है कि कंपनी सोचे कि कम प्राइस में हम माल उठा लेते हैं लेकिन हो सकता है कि वो घटिया क्वालिटी का हो तो कंपनी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं कि किस प्राइस पर खरीदना है तो वो एक रीज़नेबल प्राइस हो जिस पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल सके थर्ड है फाइनेंशियल हेल्थ अगर सप्लायर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो वो एक रिलाइबल सोर्स नहीं बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो कैसे इसका रीज़न है कि सप्लायर को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है मटेरियल को एक्वायर करने और प्रिपेयर करने के लिए और डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए तो मान लीजिए अगर सप्लायर के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपने डे टू डे काम को अच्छी तरह से रन कर सके मटेरियल को प्रिपेयर कर सके तो वो कैसे आपको क्वालिटी का मटेरियल सही टाइम पर प्रोवाइड कर सकता है तो हो सकता है इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी मटेरियल लेट आएगा प्रोडक्शन लेट होगा मार्केट में लेट जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप मीट नहीं कर पाएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि सप्लायर फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए फोर्थ है पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन केयरफुली एग्जामिन करें वेंडर के पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स को अगर वेंडर ने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है अपने क्लाइंट्स के साथ और मेंटेन करके रखा है लेवल ऑफ क्वालिटी ओवर द ईयर तो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है उस वेंडर के साथ बिजनेस करने के लिए तो अगर वेंडर का अच्छा लेशन है अपने क्लाइंट्स के साथ साल दर साल उसकी क्वालिटी अच्छी रही है किसी भी तरह की कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिली है उस वेंडर के रिगार्डिंग तो अच्छी डील है उस बिजनेस के साथ कंपनी जा सकती है फिफ्थ है मोड ऑफ पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सप्लायर को कंसीडर करें जिसके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड सिस्टम हो तो यहाँ पर कई तरह के डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट हैं जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चेक कैश इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग पेपल एक्सेट्रा तो जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे या जितने मेथड होंगे उसके पास पेमेंट के उतना ही ज़्यादा अच्छा है ताकि कंपनी जिस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट रहे उस मेथड से उसे इजीली पेमेंट कर पाए सिक्स और लास्ट है मिसलिनियस फैक्टर्स इन एडिशन टू ऑल दी अवर फैक्टर्स मतलब जितने भी फैक्टर हमने डिस्कस किए उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर भी कंसिड्रेशन या अकाउंट में लिए जाने चाहिए जैसे कि कल्चर वैल्यूज़ एक्सपर्ट मैनेजमेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज बाय दी सप्लायर टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा तो जितनी ज़्यादा सर्विसेज सप्लायर प्रोवाइड करेगा उतना ही वो बेटर रहेगा कंपनी के लिए तो ये थे वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ पॉइंट तो जल्दी से दोबारा इन्हें समअप कर लेते हैं मान लीजिए अगर आपको किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि वो केयरिंग होना चाहिए आपको हेल्प करे जहाँ आपको ज़रूरत हो सपोर्ट करे आपको गाइड करे तो इसी तरह एक कंपनी भी वेंडर और सप्लायर की सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में कुछ पॉइंट कंसिड्रेशन में लेती है जैसे कि सप्लायर उसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करे एक रीज़नेबल प्राइस चार्ज करे फाइनेंशियली साउंड हो ताकि वो भी अपने डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छी तरह से रन कर सके पास्ट रिकॉर्ड उसका अच्छा हो जितने भी उसके पुराने क्लाइंट्स हो उन सभी से उसे पॉजिटिव रिव्यूज़ या फीडबैक मिले हों मोड ऑफ पेमेंट पेमेंट मेथड के डिफ़रेंट डिफरेंट मोड्स उसके पास अवेलेबल हो ताकि कंपनी जिस मेथड से कन्वीनियंट समझे उससे वो पेमेंट कर दे मिसलिनियस फैक्टर अदर फैक्टर जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन होगी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी कुछ अदर पॉइंट्स जो कि इसके अलावा कंसिड्रेशन में लिए जाने चाहिए वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू